हम लोग हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं। 11वां अध्याय है और इस पुस्तक के अनुसार ये छठा अपराध है, सातवां अपराध है। अन्य शुभ कर्मों के साथ साथ नाम को बराबर समझना। धर्म व्रत त्याग होतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः। नाम प्रचार के उद्देश्य से अवतरित श्री हरिनाम के अवतार स्वरूप श्री गौरचंद्र की जय हो। समस्त तत्वों के सार श्री हरि नाम की जय हो। श्रील हरिदास ठाकुर जी बोले, हे प्रभु, दूसरे शुभ कर्म कभी भी हरि नाम की साधना के समान नहीं हो सकते हैं। नाम का स्वरूप, श्रील हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, हे प्रभु, आपका स्वरूप तो चिन्मय सूर्य के समान है। आपका नाम, श्री विग्रह, धाम तथा लीला सभी चिन्मय हैं। आपके मुख्य नाम आपसे अभिन्न हैं, जबकि जड़ीय अर्थात भौतिक वस्तुओं के नाम उन वस्तुओं से भिन्न हैं। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, नाम और नामी में भेद नहीं है। भक्तों के मुख से उच्चारित भगवत नाम गोलोक से आकर प्रकट होते हैं। जिनके हृदय में भक्ति है, जो भगवान के प्रति सही धारणा रखते हैं, तो उनके मुख पे भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे वसुदेव जी के द्वारा वह माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। ये बात है। यह हरिनाम आत्मा के माध्यम से सारे शरीर में फैलकर जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, फिर से पढ़ते हैं। यह हरिनाम आत्मा के माध्यम से सारे शरीर में फैलकर जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आत्मा जब भगवान का नाम बोलने की इच्छा करती है तो इस ग्रंथ के अनुसार पूरे शरीर में से हमारी चेतना व्याप्त होती है। इस प्रकार से नाम व्याप्त होकर के स्फुरित होते हैं जीभ से। इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है और उस बोतल में पानी खूब भर जाए तो जहां से छिद्र होगा उस छिद्र से पानी बाहर आएगा। तो अब उसी प्रकार से भगवान का नाम, आत्मा की जब इच्छा होती है कि हमारे हमारे जीभ पे भगवान का नाम आए, ये इच्छा आती है, तो भगवान का नाम इससे अद्भुत रूप से महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है कि पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और जीभ से प्रकट होता है। तो वस्तुतः हम लोग सोच रहे हैं कि हम नाम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देखिए, आप फिर ट्राई कीजिएगा, हम फिर से महामंत्र बोलेंगे और आप देखना कि आपके हृदय में एक इच्छा आती है कि मेरे मुख से भगवान का नाम उच्चरित हो। ये सब लोग कैच करने का प्रयास कीजिए इसको, फिर से ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो बोलने से पहले एक बहुत तीव्रता से आप देखिएगा, एक इच्छा आई और इच्छा की वजह से भगवान हमारी जीभ के ऊपर आए। ये बात गलत बात है। देखिए, जगत में लोगों के हृदय में इच्छा ही नहीं आती है कि उनके जीभ पे भगवान का नाम आए। मैं एक भक्त को समझा रहा था कि जब हम लोग भगवान का नाम बोल रहे हैं 2 घंटे और लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो लगातार ये 2 घंटा हमारे हृदय में विद्यमान रही कि इस 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए जितने भी समय मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए। जैसे भी मान लीजिए इस क्लास के बाद आप कहीं जा रहे हैं तो चुप रह सकते हैं, यानी कि इच्छा नहीं है बोलने की। ये समझ रहे हैं बात? और जैसे ही बोलना शुरू किया हरे कृष्णा या जो भी, तो इच्छा आई तो भगवान तुरंत उस भक्त के जीव पे आ जाते हैं। हमारी इंद्रियों की शक्ति नहीं है कि वह नाम को पकड़ सके, लेकिन नाम हमारी इच्छा को देख करके हमारी जीव पे आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भगवान का नाम चिन्मय है तथा गोलोक धाम से अवतरित होता है। इस प्रकार की भावना से हरिनाम करने पर ही शुद्ध हरिनाम होता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति सोच रहा है कि नाम एक भौतिक शब्द है, उसका शुद्ध हरि नाम नहीं हो पाएगा, वह नामाभास मात्र होगा। इसलिए आवश्यक है कि सिद्धांत को व्यक्ति ठीक से समझे कि हरि नाम गोलोक से अवतरित हुआ है। यह स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, यह स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है और यह गोलोक से अवतरित होता है। यानी कि यद्यपि मैं इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि यह भगवान का नाम पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, चिन्मय है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
इसके ये सीधे भगवान हैं और भगवान मेरी जीव पे प्रकट हो रहे हैं, ये विश्वास शास्त्र की दृष्टि से होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा और समय दूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब तक व्यक्ति की सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी, वह शुद्ध रूप से हरिनाम उच्चारण नहीं करेगा। उसकी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। जैसे हम लोग भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं यह मानते हुए कि ये भगवान हैं, यद्यपि हमें इनका रियलाइजेशन नहीं होता है। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग शास्त्र से सुन करके, शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के भजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को रियलाइजेशन नहीं है तो उसको विश्वास नहीं हो सकता। मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं कि देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को, या हम सभी में पढ़ रहे हैं कि विटामिन सी की गोलियां हैं, विटामिन डी की गोलियां, इसमें इतना विटामिन डी है, तो इसका अनुभव थोड़ा होता है खाते समय, लेकिन उस जो लिखा हुआ उस पर विश्वास करते हैं। आई थिंक दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। तो जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि साक्षात भगवान हैं, तो ऐसी बात को सुनकर नाम के प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए कि ये सामान्य शब्द नहीं है, ये भगवान है। देखिए, शब्द के प्रति अपराध नहीं होता, शब्द से अपराध होता है ना? ये है ना के प्रति तो आप अपराध नहीं कर सकते हैं, लेकिन राम नाम के प्रति अपराध कर सकते हैं, क्योंकि अपराध एक व्यक्ति के प्रति होता है, वस्तु के प्रति अपराध नहीं होता है। तो जो भक्त हैं वह नाम अपराधों के बारे में विचार करेंगे कि हमसे भाई कोई अपराध बने नहीं, सेवा जितनी हो जाए उतनी हो जाए, और सेवा चाहे कम ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन अपराध नहीं हो, इसके प्रति बहुत फोकस्ड होंगे। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं और फिर दे रहा हूं कि देखिए, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो सतर्क होते हैं क्योंकि गाड़ी कहीं भी ना भिड़े, इज इट नॉट? और जब हम सतर्क रहते हैं लगातार, तब हम बिना भिड़े अपने गंतव्य को पहुंच पाते हैं और पहुंच भी जाते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वहां तो यह भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी गाड़ी को मार दे, लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि दूसरा व्यक्ति हमको नाम अपराध करने के लिए बाध्य कर रहा है। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, बहुत गंभीर बात समझिए। भक्ति का एक एक अंग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपराध के कारण हमको लाभ बहुत कम मिलता है, और अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। सॉरी, गलत बोल गया, अपराध नहीं करने से अपराध हो जाता हो ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। अब अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो अपराध नहीं होगा, तो इस अपराध से व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं कि जो भगवान के प्रति या भगवान के नाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध है वो ये है कि उन्हें भौतिक मानना। तब कोई भौतिक शब्द तो हम लोग दुनिया अनादिकाल से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे थे, या किसी सुअर के रूप में या किसी और पुरुष के रूप में, पशु के रूप में, तब भी तो कुछ आवाज निकाल ही रहे थे, तो उससे तो कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। ये बहुत स्ट्रांगली भक्तों को समझना चाहिए कि देखिए, भगवान के नाम से हमारे जीवन में, चरित्र में कितना परिवर्तन आया है, तो अगर ये भौतिक शब्द होता तो क्यों परिवर्तन आता? इज इट नॉट? जिसका ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं है और जो हरिनाम में जड़ीय बुद्धि रखते हैं, उन्हें बहुत लंबे समय तक नरक की यातनाओं को सहना होता है, मतलब उनका शुद्धिकरण बहुत देर में होगा। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, शास्त्रों में आपको प्राप्त करने के जो उपाय बताए गए हैं, अलग अलग अधिकारों के कारण वे उपाय कर्म, ज्ञान व भक्ति के विभिन्न अंगों के कारण बहुत से हो गए। क्या मतलब है? जिन लोगों का कर्म मार्ग में अधिकार है, जो बहुत अधिक भोग में आसक्त हैं, कर्मों में आसक्त हैं, उनसे कर्म छूट रहा है, उनके लिए कर्म मार्ग है। जो लोग बहुत विरक्त हैं और इतने विरक्त हैं कि भक्ति से भी विरक्त हो गए, तो वो लोग ज्ञान मार्ग में हैं, और जो लोग ना बहुत आसक्त हैं और ना बहुत विरक्त हैं, उनके लिए ये भक्ति का मार्ग है। अलग अलग प्रकार के कर्म का स्वरूप, जड़ बुद्धि से ग्रसित व्यक्ति जड़ीय द्रव्यों के लिए काल के आश्रय में रहकर तथा मृत्यु के भय से आपकी साधना करता है। हे हरि, आप जीवों को अभय देने वाले हो तथा आपके समान और कोई नहीं है। आपके चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही जीव भव सागर से पार हो जाता है। कर्म मार्ग में आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना, तालाब व कुएं का निर्माण करवाना, तीनों समय स्नान करना, दान, योग, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा,
व्रत, माता पिता की सेवा, ध्यान, ज्ञान, देवताओं के लिए तर्पण, तपस्या तथा प्रायश्चित आदि विधान जड़ीय द्रव्यों तथा जड़ीय भावों को आश्रय करने के कारण जड़ीय हैं। इन सब उपायों के द्वारा जड़ीय द्रव्यों को आश्रय करके हमेशा ही शुभ कर्म होता है। जड़ीय अर्थात भौतिक उपायों का चरम फल भी जड़ीय अर्थात भौतिक ही होता है, परंतु जब किसी साधक की भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है तो यह जड़ीय व अनित्य उपाय अपने आप ही छूट जाते हैं, क्योंकि समस्त सिद्धियों का सार पूर्णानंदमय भगवान की प्राप्ति ही है। यही जीवों का सर्वोत्तम उपेय अर्थात प्रयोजन है तथा यही सभी प्रयोजनों के सारों का सार है। जड़ीय द्रव्य और जड़ीय काल आनंद से रहित होते हैं, परंतु बद्ध जीव इन जड़ीय वस्तुओं के बिना नहीं रह पाता। उसकी समस्त क्रियाओं में तथा चिंता में जड़ीय भाव अवश्य विद्यमान रहता है, किंतु इस जड़ीय सिद्धांत में रहते हुए जड़ातीत शुद्ध भक्ति की खोज करना ही कर्म आदि की कुशलता है। अतः क्रमानुसार देखा जाए तो सभी शुभ कर्म जीव के प्रयोजन भगवत प्रेम के उपाय हैं, लेकिन इस मार्ग से जीव को भगवत भक्ति होना चाहिए व भगवत प्रेम बहुत विलंब से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उपाय तो भौतिक अर्थात जड़ है, परंतु भगवत प्रेम है पूर्णतया चेतन। अतः शुभ कर्मों के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति में होने वाले विलंब के कारण कर्मों का जड़ होना और भगवत प्रेम का दिव्य होना है अतः शुभ कर्मों के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति में होने वाले विलंब का कारण कर्मों का जड़ होना और भगवत प्रेम का दिव्य होना है। अभी बात बिल्कुल ऊपर से चली गई होगी, क्या बात हो रही है देखिए। जब भी कोई शुभ कर्म किया जा रहा है, तालाब खोदना, माता पिता की सेवा करना, तो यह शुभ है इस दृष्टि से कि व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी और उसका कुछ हृदय भी शुद्ध होगा। लेकिन ये सारे कार्य प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही संपादित किए जा रहे हैं, ये कोई दिव्य कार्य नहीं है। अब बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि भाई माता पिता की सेवा क्या दिव्य कार्य नहीं है? तो जरा देखिएगा, अगर वाकई दिव्य कार्य होता तो भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाती। हाँ, लेकिन एक बात है कि व्यक्ति कुछ कुछ शुद्ध होता है इनके द्वारा। जितने भी शुभ कार्य हैं उनको करने से व्यक्ति को के हृदय में शुद्धिकरण हो रहा है धीरे 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 करके। वो एकदम इंद्र तृप्ति में लगा नहीं है और धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह भगवान के नाम के संपर्क में आ रहा है, भगवान की भक्ति के संपर्क में आ रहा है, वह सीधे भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, आध्यात्मिक शक्ति से कहा जाते हैं, दैवी शक्ति के संपर्क में आ रहा है, और उसी दिन से वह भक्ति की शक्ति के संपर्क में आने के कारण क्रमशः दिव्यता को प्राप्त होगा। ये समझ में आ गया? शुभ कर्म स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत नहीं होते। शुभ कर्म करने के बाद भी व्यक्ति भगवान के विमुख रह सकता है और रहते भी हैं। बहुत से लोग जो शुभ कर्म करते हैं वो कहते हैं, हम तो भाई पाप नहीं कर रहे हैं, हम तो तालाब खुदवा रहे हैं, लोगों को कंबल बांट रहे हैं, आप हमें क्यों हरे कृष्णा करने के लिए कह रहे हैं, हमें क्यों भक्ति करने के लिए कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों से। लेकिन पुण्य कर्म भी जड़ हैं, उनका जो फल है वह भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है। भक्ति केवल भक्ति करने से ही उत्पन्न होती है, किसी भी शुभ कर्म को करने से नहीं होती। लेकिन आपको कहे कि भाई शुभ कर्म की जरूरत क्या है? जिन लोगों की बुद्धि एकदम जड़ है, वह आत्मा के कर्तव्यों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत से हैं जो कहेंगे कि इस हरे कृष्णा करने से क्या होगा, ये कथा सुनने से क्या होगा इत्यादि, तो वह इसकी सूक्ष्मता को, इस दिव्यता को नहीं समझ सकते। तो इनके लिए ऐसे कर्म बताए जा रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके वह शुद्ध हों। अब इसमें एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग थी, और वो क्या है, जरा देखिए। उसकी समस्त क्रियाओं में तथा चिंता में जड़ीय भाव अवश्य ही विद्यमान रहता है, किंतु इस जड़ीय सिद्धांत में रहते हुए जड़ातीत शुद्ध भक्ति की खोज करना ही कर्म आदि की कुशलता है। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह भौतिक कर्म करने के ही बारे में भौतिक कर्म को ही करेगा और भौतिक कर्म को करने में ही अपनी सोच को लगाएगा। अब इनका उपयोग कदाचित भक्तों की सेवा के द्वारा हो जाए तो उसकी भक्ति का कुछ स्कोप बनता है, अन्यथा ये कर्म वैसे ही वो विफल से हो जाते हैं, उनका कुछ प्रयोजन नहीं निकलता है। इसलिए बोल रहे हैं भगवान को समर्पित होने चाहिए सारे कार्य, तो उस दृष्टि से सब अच्छे हैं। लेकिन अगर सीधे भक्ति की जाए तो सर्वश्रेष्ठ है और वही भगवान की प्राप्ति कराएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म जड़ है और भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति पूरी तरह से दिव्य है, तो इसलिए शुभ कर्म आदि के द्वारा भगवान की भक्ति की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, और जो शुद्धिकरण है वह भी बहुत विलंब से होता है। और इसको देखा गया है कि भक्त लोग बोलते हैं कि उनके घर में, परिवार में बहुत से लोग व्रत आदि करते थे,
तो शुभ कर्म तो हैं, लेकिन वैसा हृदय का परिवर्तन नहीं देखा जाता जैसा कि भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र करने के द्वारा अनुभव करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सब भक्तों को? समझ में क्या आ रही होगी, तो जीवन में दिख भी रहा होगा कि आपके घर में बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति वैसा अनुराग उनका नहीं जागृत हो रहा जैसा उन भक्तों का होता है जो भले ही नए हों लेकिन भगवान की भक्ति करने में संलग्न है। और आपको भी ना समझ में आता हो तो आपके परिवार वालों को तो जरूर समझ में आता होगा। जिन लोगों ने भी भक्ति करने की वजह से डांट खाई है तो समझें कि वह भक्ति की सराहना कर रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है भक्ति के अलावा? ये दिन भर बैठ के जप ही करते रहोगे? आप सोचोगे अरे ये तो हमारा सपना है कि हम दिन भर बैठ के जप कर सके, कहाँ कर पा रहे हैं। लेकिन वो लोग यही बोलेंगे तो आप तो दिन भर इसी में लगे रहते हो, भक्ति करते रहते हो, है ना? और वह भले शुभ कर्म करते रहते हों लेकिन उससे उनकी भक्ति जागृत नहीं होती। क्या ये शुभ कर्म उन्हें भक्ति में हेल्प करते हैं बाद में जा करके? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, शुभ कर्म अगर भगवान को समर्पित होते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर शुभ कर्म भगवान को समर्पित नहीं है तो भक्ति को लाभ, भक्ति लाभ नहीं करने वाले हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का स्वभाव है कि वह दान करता है अन्न का, तो अब वह भक्तों की सेवा के लिए, मतलब सेंस उसको ही लग रहा है कि मैं अन्नदान कर रहा हूँ, पुण्य है, लेकिन अब वही अन्न भगवान को समर्पित हो गया, वही अन्न भक्तों की सेवा में लग गया, तो अब उसका बहुत बड़ा सुकृत बन गया। इससे वो आगे जाकर के भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित हो जाएगा। इज इट ओके? ऐसे केवल अन्न कर रहा है दान तो उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति जरूर होगी, अन्न का दान बहुत अच्छा होता है, लेकिन सभी लोग वैष्णवों की सेवा के लिए या भगवान के प्रसाद के वितरण के लिए अन्नदान नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हम लोग आगरा में प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम लोग संकीर्तन लेके जाते थे, तो जो एक व्यक्ति के दुकान के सामने से हमारा संकीर्तन जाता तो उसकी आटा चक्की थी, तो उसने कहा कि मैं कोई सेवा कर सकता हूँ क्या? जब करना नहीं शुरू किया, उसने कहा कि उसको कीर्तन अच्छा लगा, और यही बात पहले भी बताई गई थी कि भक्त लोग उच्च संकीर्तन करते हैं तो लोगों की श्रद्धा जागृत हो जाती है, रुचि जागृत हो जाती है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो अब वह उसने मतलब लोगों से संपर्क किया कि ये कार्यक्रम कहाँ होता है और क्या वह कोई सेवा कर सकता है, तो उसने आटा या कुछ चावल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो सब भेजा, और बाद में वह कुछ समय के लिए एटलीस्ट हरे कृष्ण मंत्र एक माला जब भी करने लगे, वो आए फिर कार्यक्रम में भी आए, वो कथा भी सुने। तो ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि लोग भगवान के लिए सेवा करते हैं, किसी भी तरह से सेवा करते हैं तो आगे जा करके भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ये जो भक्त लोग कहते हैं ना, जाते हैं भक्तों के पास में कि आप गीता को स्पॉन्सर कीजिए, गीता बटेगी, तो अब वह व्यक्ति चाहे जिंदगी में गीता पढ़ा नहीं हो, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो गीता खुद कभी नहीं पढ़ते, लेकिन गीता दूसरों के पास जाएगी तो उसकी सुकृत उनकी बनेगी। तो वो सुकृत जब बन जाएगी मतलब जब मैच्योर होगी तो भगवान उन्हें कुछ प्रेरणा देंगे, चाहे दुख में डाल के चाहे सुख में डाल के ना, कैसे भी करके कि तुम भक्तों से मिलो। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अपने आप में शुभ कर्म जो है वो भगवान की प्राप्ति नहीं कराते। साधन काल में हरिनाम किस प्रकार उपाय है? हे प्रभु, आपने विशेष कृपा करके जगतवासियों को हरिनाम प्रदान किया, इसलिए अपना मंगल चाहने वाले जीव कृष्ण प्रेम रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हरिनाम का ही आश्रय लेते हैं। मतलब वह अपनी सिद्धि के लिए किसी और वस्तु का आश्रय नहीं लेते। शास्त्रों के मतानुसार हरिनाम ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय है, इसलिए इसे दूसरे सुकर्मों के साथ गिना गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की ब्रह्मा जी एवं शिव जी के साथ इस त्रिभुवन में देवता के रूप में गणना की जाती है। कई बार देवादि देव शिव जी को कहते हैं, कभी कभी देव देव भगवान विष्णु को कहते हैं, तो भगवान भी विष्णु परम देवता ऐसे करके शब्द भी आते हैं। लेकिन थोड़ा समझना चाहिए कि भगवान कैसे देवता हैं। वह अमृतत्व के स्वामी हैं, वैसा अमृतत्व कोई भी देवता नहीं दे सकता है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि ऑल्दो हरे कृष्ण इज ऑल्सो अप पायस एक्टिविटी, पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का श्रवण कीर्तन करना अपने आप में पुण्यात्मक है, व्यक्ति को पवित्र करता है, अविद्या से मुक्त करता है, लेकिन ध्यान देना होगा कि यह पुण्य किस प्रकार का है। यह कभी भी नष्ट ना होने वाला चिन्मय स्पिरिचुअल पुण्य है। यह भौतिक पुण्य नहीं है जो कि आप जानते हैं कि स्वर्ग आदि प्राप्त करके या उसका भोग करके क्षीण हो जाए, ऐसा पुण्य नहीं होता। ये तो सब भक्त लोग समझते हैं गीता भागवत सुनने के बाद।
श्री हरिनाम शुद्ध सत्वमय हैं। श्री हरिनाम का स्वरूप शुद्ध सत्वमय होता है, इसमें लेश मात्र भी जड़ीय गंध नहीं होती, अर्थात ये बिल्कुल भी भौतिक नहीं होता। जड़ीभूत जीवों ने अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों ने श्री हरिनाम में जड़ीय भावना करके उसे अन्य शुभ कर्मों के साथ एक मान लिया। जैसे देखिए, अभी देखिए यहाँ इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, इसमें सभी शब्द हैं, इसमें शब्द है, लेशमात्र शब्द है, जड़ीय शब्द है, गंध शब्द है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसमें हरि भी लिखा हुआ है ना। श्री हरि नाम, श्री ग्रस्त जीवों ने श्री हरि नाम, तो बार बार देखें, अगर सामान्य दृष्टि से देखें, जो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से देख रहा है तो उसे लगे हाँ यह और ई है, र है, यही तो दिखाई पड़ता है ना। और इसी प्रकार से जनता बोल रही है तो बाकी जो बातें बोल रही है जनता से, मतलब सामान्य लोग जो बोल रहे हैं, उसमें कहीं बीच में कृष्ण का नाम आया, राम का नाम आया, तो उनकी ऐसी कोई विशेष भावना नहीं होती कि हमने कुछ विशेष बात बोली है। उन्हें लगता है शब्द है, ये शब्द है, बाकी बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं तो यह भी एक शब्द हो गया। लेकिन भगवान का नाम पूरी तरह से शुद्ध सत्वमय है, चिन्मय है। और ध्यान दीजिए कि इस ग्रंथ में से भगवान के नाम की महिमा है, तो वो सो कॉल्ड भौतिक शब्द भी, तथाकथित भौतिक शब्द भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के पानी से मिलकर कोई भी पानी गंगा जी बन जाता है, ऐसे जहां पे जिस ग्रंथ में भगवान के नाम अंकित हैं, नामान अनंतस्य यशवंकितान्यत् श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, वह शास्त्र जो ग्रामर की दृष्टि से बहुत सारी गलतियों से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के नाम और उनके यश अंकित हैं, तो साधुजन उसी को सुनते हैं, उसी को गाते हैं, उसी को उच्चारण करते हैं बार बार। इज दैट गेटिंग क्लियर? तो ये पूरा ग्रंथ ही आध्यात्मिक है, दिव्य है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम का यश रखा गया है। तो फिर भगवान जब जिस भगवान के नाम के समावेश से सारे शब्द दिव्य हो जा रहे हैं, तो उनके उन भगवान के नाम का स्वयं तो कहना ही क्या, आप तो समझ गए होंगे इस बात को। मायावाद के कारण इस प्रकार का नामापराध होता है, जिस दोष के कारण हमेशा ही भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या बात हो रही है, देखिए यह लोग कहते हैं, मायावादी लोग, कि अंततोगत्व आप किसी का भी नाम बोलिए, देवता का नाम बोलिए या भगवान का नाम बोलिए, ये सब शुभ है और ये आपको माया से मुक्त कर देगा। तो भगवान का नाम माया से मुक्त कर देगा, ठीक है, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि किसी का भी नाम बोलिए, किसी भी देवता का नाम बोलिए और माया से मुक्त कर देगा, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है। यानी कि वह भगवान के नाम की शक्ति को अन्य देवताओं के नाम की शक्ति से कह सकते हैं क्या, इक्वेट कर रहा, तुलना कर रहा, ये गलत बात। हरिनाम साधन होते हुए भी साध्य है। हे प्रभु, आपका श्रीकृष्ण नाम पूर्णानंद तत्व है, यह श्रीकृष्ण नाम साधन भी है और साध्य भी, इसी कारण इसकी विशेष महिमा है। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री हरिनाम ने साधन के रूप में इस धरातल पर अवतार लिया है। भाई ये जबरदस्त बात है, भगवान का नाम साध्य है, प्राप्य वस्तु है, लेकिन जीवों पर कृपा करने के लिए वह धरातल पर साधन के रूप में अवतरित हुए। अब आप इसको स्पष्ट समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति यहां जो उपस्थित है, जो जाप कर रहा है, वह यही मानता है कि हरिनाम सर्वश्रेष्ठ साधन है। इज इट नॉट? ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान का नाम साधन के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को साधन के रूप में दिख तो रहा ही है। साधन का मतलब होता है मीन्स, उपाय। लेकिन जो समझ में नहीं आता है सामान्य लोगों को, वो ये है कि यही उपाय भी है, इसकी इस उपाय से ही इसकी प्राप्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हैं, तो कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए। इस समय व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से ही जप रहा है और यह करते करते नाम के प्रभाव से ही जब चित्त उसका पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, तो वह नाम को गाएगा बिना किसी शास्त्र आज्ञा के, या कह सकते हैं केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं बोलेगा, उसकी सहज रुचि हो जाएगी। इसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जिसको ईश्वरपुरी पाद श्रीमद् चेतन महाप्रभु के गुरु, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सार कहा है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसति रोदति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्य। जो कह रहे हैं इस प्रकार से व्रत लेकर के भगवान के नाम का उच्चारण जो बार बार करता है, तो जातानुराग उसका अनुराग हो जाता है। अनुराग जाता, यानी कि अनुराग पहले नहीं था, शास्त्र की आज्ञा से वो बारंबार नाम का उच्चारण कर रहा था और उसके बाद उसका अनुराग हो गया।
जैसे कोई स्त्री है तो उसका संतान होता नहीं है, उसका संतान हो जाता है, पहले नहीं था ना, किसी प्रोसेस के द्वारा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जातानुराग, ऐसा आप सुनते ना, जात कर्म, बच्चा का जो जन्म होता है तो कुछ बहुत सारे कर्म होते हैं, तो जात शब्द से उत्पन्न अर्थ लेना चाहिए कि उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाता है? अनुराग। अनुराग का क्या मतलब है? अनुराग का मतलब है कि व्यक्ति को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का सेवन करने में कभी तृप्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि जो व्रत लेकर के 16 माला का जाप कर रहे हैं वो कर किस ले रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस नाम के बिना रहा ही ना जाए, 24 घंटे भगवान का नाम ले सकें। और ये तभी होगा जब व्यक्ति का अनुराग हो जाएगा। अनुराग यानी प्रेम की अवस्था होती, उसमें व्यक्ति का इस प्रकार का जब प्रेम जागृत हो जाता है तो बारंबार नाम बोलना चाहता है, ये अर्थ है इसका। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बातों को? तो भगवान का नाम जो है वह नाम उच्चारण करके ही इस प्रकार का भगवान के नाम में अनुराग होता है। तो साधन भी यही है और साध्य भी यही है। अब देखिए ये सब बातें क्यों समझाने की जरूरत है। आप लोग कहीं ना कहीं लिफ्ट इस्तेमाल किए होंगे, तो लिफ्ट का उपयोग करके हम लोग किसी स्थल पर पहुंचते हैं और एकदम लिफ्ट को भूल जाते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, जितने आग्रह से हम सीट पकड़ते हैं उतने ही आग्रह से सीट को बिल्कुल भूल जाते हैं। यानी वहां पे साधन और साध्य अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है और नाम उच्चारण करते करते जब उसका हृदय शुद्ध हो गया तो अब वह नाम उच्चारण करना बंद कर देगा। जो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब गुणवत्ता होगी तुम्हारे जप में तो तुम यह नहीं कहोगे कि 16 क्यों, तुम ये कहोगे कि 16,000 क्यों नहीं, 16,000 माला क्यों नहीं कहा गुरु महाराज ने जप करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि यही साध्य है। और जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो व्यक्ति भगवान का नाम क्यों छोड़ेगा? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो साधन भी भगवान का नाम है और साध्य भी भगवान का नाम है। यानी जो पक्का भक्त है वह भगवान के नाम को साधन के रूप में स्वीकार कर रहा है और इसी को परम साध्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। वो मोक्ष वोक्ष नहीं चाहता है, और जो मोक्ष चाहता है उसको नाम में रुचि इस प्रकार से नहीं प्राप्त हो पाएगी। ये बात समस्त शास्त्र इसके प्रमाण है। प्रमाण मैंने आपको श्रीमद्भागवतम से दिया है, जहां यह कहा गया है कि श्री कृष्ण नाम उपाय भी है और उपेय भी, अर्थात ये हरिनाम साधन भी है और साध्य भी। अपने अपने अधिकार के अनुसार सभी साधक हरिनाम का अनुसरण करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि जब तक जीव के हृदय में आत्मरति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक वह हरिनाम को आत्मरति रूपी उपेय की साधना समझता रहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब तक भगवान का प्रेम, आत्मरति मतलब परमात्मरति, भगवान का प्रेम हृदय में जागृत नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति इसको साधना समझेगा। लेकिन जब भगवान का प्रेम जागृत हो गया तो अब यही परम आनंद का मार्ग हो जाता है, यही परम साध्य वस्तु जाती है। भाई जी किस लिए रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। जी किस लिए रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये बात है, क्षमा कीजिएगा, भगवान का नाम बोलने के लिए। ऐसी स्टेट हो सकती है क्या? लेकिन हो सकती है। भगवान का नाम से इतना सुख मिल रहा है और जीव को चाहिए सुख, तो अब वही उसका परम साध्य हो गया। जैसे जगत में लोग रसगुल्ला बनाते हैं किसी साधन से, तो वह साधन साध्य नहीं है, रसगुल्ला साध्य, रसगुल्ले को खाना साध्य है। रसगुल्ला जब खा रहा होता है तो उस रसगुल्ले को खाने के द्वारा भी कुछ चाहते हैं नहीं, उससे केवल आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। कभी नहीं चेक करते उसे कि डायबिटीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, विटामिन होगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचते। जैसे रसगुल्ले का केवल आस्वादन ही किया जाता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति का भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के नाम के द्वारा, तो नाम में इतना सुख मिलता है उसे और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। शुभकर्म मार्ग गौण उपाय है जबकि हरिनाम मुख्य उपाय है। उपाय दो प्रकार के होते हैं, गौण उपाय एवं मुख्य उपाय। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। गौण उपाय शुभकर्म है और मुख्य उपाय भगवान का नाम है। शास्त्र में जितने भी प्रकार के शुभ कर्मों का वर्णन पाया जाता है उनमें से कोई भी हरिनाम के समान नहीं हो सकता, यही सब शास्त्रों का मर्म है। सरल हृदय से जब कोई श्रीकृष्ण नाम का कीर्तन करता है तब दिव्य आनंद प्रकट होकर उसके चित्त को आनंद से विभोर करा करके उससे नृत्य कराता है। इसका बड़ा सिंपल सी बात है। सरल हृदय का मतलब क्या होता है? निश्चल,
छल हृदय। वह भगवान के नाम पर विश्वास रखता है और भगवान के नाम को ही परम साध्य के रूप में स्वीकार करके कि नाम में रति हो जाए करके भजन करता है, वह नाम अपराध से बचेगा। ये जो कुटिलता है कि भाई नाम उच्चारण कर रहे हैं उसके बदले में कुछ और चाहिए, इसीलिए विलंब हो जाता है, इसीलिए विलंब हो जाता है। अगर किसी का एकदम सरल हृदय हो, समझ जाए कि भाई हम भगवान के नित्य अंश हैं, इस जगत में भी अगर हम चाहते हैं तो प्रेम ही चाहते हैं, है ना। यह ऐसा कहें कि इस जगत में भी हम वास्तविक रूप से सुखी तभी होते हैं जब हमें प्रेम मिलता है, हमें अफेक्शन मिलता है। ये तो अब समझ में आ रहा है बात। वो बात ना समझ पाने के कारण व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास वो हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वस्तुतः आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है प्रेम, अफेक्शन, प्रेम देना और प्रेम स्वीकार करना। सीधी सी बात है, ये बात अगर व्यक्ति रिकग्नाइज करे तब वह देखेगा कि मैं अपने प्रेम को बहुत जगह लगा रखा है, यहाँ तक कि भौतिक वस्तु में भी लगा रखा है जो कि मुझसे प्रेम नहीं कर सकती हैं। तो भगवान का नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई प्रेम के मुख्य विषय तो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके उनके भक्त हैं। बात बहुत सिंपल सी है, ऐसा नहीं कि हमें प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम करना हमको सबको आता है, लेकिन हमने अपने प्रेम को अलग अलग जगह रख रखा है। इसलिए जब नाम उच्चारण करते हैं हृदय शुद्ध होने लगता है तो हमें समझ में आता है कि हमारे प्रेमास्पद कौन है, हमारे प्रेम के विषय कौन है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त, उन भक्तों की सेवा करनी है और भगवान की सेवा करनी है। जब ये केवल यही करेंगे तो सुख मिलने लग जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सरलता ही वैष्णवता है, श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी कहते हैं। सरलता, सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है, सरलता मतलब होता है निश्चलता, बिना छल के, बिना कपट के व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। श्री कृष्ण नाम का ऐसा चमत्कारी स्वभाव है कि ये साधक को ऐसी आत्मरति व आत्म क्रीड़ा प्रदान करता है कि जिस आनंद के ऊपर और कुछ होता ही नहीं। जैसे कि शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं और आपने कई बार सुना है, तुंडे तांडवनम तुंडे तांडवनीम रति नुते तुंडावली लब्धये, ऐसे करके श्लोक है कि जब मैं कृष्ण शब्द बोलता हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं, तो मेरी इच्छा होती है कि अब मेरे करोड़ों करोड़ों जीव हों, और जब मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे अरबों अरबों कान हों। तो इस प्रकार की इच्छा दिखा रहा है कि उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया, और यही नाम जब कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो मेरे मन को पूरी तरह से स्तंभित कर देता है, मन कहीं और जा ही नहीं पाता। तो अब इसका स्पष्ट अर्थ है कि जहां मन को सुख मिलेगा वहां मन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि वैसा सुख भगवान का नाम उस व्यक्ति को दे देता है जिसके आगे ब्रह्म ज्ञान आदि का जो सुख है वह भी कुछ नहीं रह जाता। ब्रह्म ज्ञान और योग में जो आनंद है वह बहुत थोड़ा है, क्योंकि वह तो केवल मात्र इस दुनिया के दुखों से छुटकारा मात्र है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि ब्रह्म ज्ञान व योग में तो उस परम आनंद की मात्र छाया है, जबकि श्री कृष्ण नाम में जो सुख है वह असीम है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति को अनुभूति होती है कि कैसे वह आत्मा है, कैसे वह देह नहीं है, और आत्मा है क्षणिक छोटा। इस कारण से आत्मा का जो आत्मा के स्वरूप की अनुभूति के द्वारा जो सुख मिलेगा वह होगा छोटा। लेकिन भगवान है असीमित, तो भगवान का अनुभव भगवान के नाम के द्वारा जब होगा तो उससे मिलेगा असीमित सुख। ये बात समझ में आना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब हमें सुख मिल तो रहा नहीं है, तो हमें सब सुनने की जरूरत क्या है। इस जगत में लोग भविष्य में होने वाले लाभ को सोच करके बहुत मेहनत करते हुए देखे जाते हैं। जितनी मेहनत हम भक्ति में कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक, मानते हैं आप लोग बात, तीन तीन चार चार घंटे सो सो करके वह अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि उस वस्तु से उन्हें दुख ही प्राप्त होगा, लेकिन उनकी मान्यता है कि हाँ इसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। यहां वास्तविकता का वर्णन हो रहा है कि कैसे भक्ति करके व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये सोचेगा कि भगवान का नाम ऐसा सुख देने का सामर्थ्य रखता है और लोगों को दिया है और दिया ही है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सोचेगा कि कैसे मैं नाम के प्रति अपराधों से बचूं। देखिए बात बहुत सिंपल सी है, कभी कभी भक्त समझ नहीं पाते। वह सोचेंगे, या मैं सोच रहा हूं, या हम लोग सोच रहे हैं कि हमें 16 मार तो कर लिया ना, चलो सेवा भी हो गई, तो अब कुछ रिलैक्स करने का टाइम होना चाहिए कि नहीं। तो अब आप ये बताइए, क्या यह नाम का अपमान हुआ कि नहीं? रिलैक्स हो रहे हो तो तुम सो भी लिए, तुम फ्रेश हो। अब रिलैक्स होने के लिए होते समय नाम उच्चारण करने की बजाय या भगवान की कथा सुनने की बजाय व्यक्ति कुछ और कार्य कर रहा है, जबकि ना कोई सेवा है ना कुछ है, यानी कि और कार्य का मतलब प्रजल्प या दुनिया की बात कर रहा है, तो ये नाम के प्रति अपराधी तो हुआ।
नाम की अवमानना हुई। इतना लाभ कोई वस्तु दे सकता है, उसको छोड़ करके हम ऐसी वस्तुओं के पास जा रहे हैं जिससे हमारी नाम के प्रति श्रद्धा, नाम के प्रति सेवा भावना कम हो, तो ये तो नाम के प्रति अवमानना ही हुई ना। नाम का अपमान हुआ कि नहीं हुआ बताइए। मैं चार नियमों को भंग करने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। जो अन्य भी हम व्यर्थ की बातें करते हैं उससे हमारी सेवा की भावना कम हो जाती है। तो कभी कभी भक्त समझ नहीं पाते हैं कि जो हम अनावश्यक बातें भी करते हैं उसका भी प्रभाव हमारे नाम जप पे होता है। कल एक भक्त ने मुझसे कुछ पूछा किसी के बारे में, तो कुछ उनके भक्तों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। हमने कहा देखिए, पहले उनने मुझसे कुछ पूछा था भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो हमने कहा जैसे ही आपने मुझे महाप्रभु के बारे में पूछा तो मैं तुरंत सोचने लग गया, अच्छा महाप्रभु की ये लीला हुई थी, वृंदावन में आए थे, ऐसा हुआ था, तो तुरंत मेरे चित्त में एटलीस्ट भगवान महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का कुछ स्मरण हुआ। लेकिन जैसे ही आपने किसी के आर्ग्यूमेंट के बारे में बात किया तो उससे न तो आपको लाभ हुआ, ना मेरे को लाभ हुआ, ना उन व्यक्ति भक्तों को भी लाभ हुआ। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। हम लोग चर्चा करें भक्तों के साथ तो कितना बड़ा भाग्य है कि कोई भक्त साथ में है तो हम भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वही समय तो बहुत ज्यादा है नहीं ना हमारे पास कि 1,00,000 साल जीना है, तो उस चर्चा के द्वारा वो जो कि इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, हम अपने चित्त में उस बात को और धसा ले रहे हैं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बातों की हम चर्चा करते हैं वो बातें हमारे हृदय में और गहरी चली जाती हैं। तो हम ऐसी बातों की चर्चा क्यों करें जिसका भगवान की भक्ति संबंध नहीं है? भैया तो आपको नौकरी करनी हो, अलग बात है, तो हर आदमी को तो हर समय नौकरी भी नहीं करनी पड़ती है। तो जो हमारे पास समय भगवान की कृपा से मिल रहा है उसको क्यों ना भगवान की भक्ति में लगाएं कि वो 16 माला कर ली और हाथ झाड़ ले, चलो भैया अब कोई मतलब नहीं, अब तो हम कुछ और नहीं कर सकते भक्ति में। नॉट अ गुड एटीट्यूड। तो अगर व्यक्ति विचार करेगा कि नाम अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम पर कितनी बड़ी कृपा होगी, तो वह तो भरसक प्रयास करेगा कि और अधिक नाम जप हो जाए, या और भागवत पढ़ लूं, और जप कर लूं, या और भगवान की सेवा बन जाए, यही अच्छा रहेगा ना। ये एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अन्य शुभ कर्मों से हरिनाम की विलक्षणता। हरिनाम के संबंध में विलक्षण बात यह है कि साधन काल में हरिनाम उपाय स्वरूप है, जबकि सिद्धावस्था में वही नाम उपेय स्वरूप है, मतलब कि परम प्राप्त स्वरूप अर्थात परम आनंदमय स्वरूप है। आनंद ही जीव का लक्ष्य है, आनंदमयोभ्यासात, क्योंकि जीव आनंदमय है तो इसलिए हमेशा वह आनंद की तलाश में है। तो जिस वस्तु से उसको आनंद मिल गया वह उसकी परम प्राप्य वस्तु है। तो ये उपाय मतलब जिसके लिए उपाय किया जाए वो है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम परम आनंदमय है। तो अब आप पूछ सकते हो कि आपको परम आनंद मिला? तो नहीं, हमको नहीं मिला भी, हमको नहीं मिला है, लेकिन प्रभुपाद जी को मिला है, गुरु महाराज को मिला है, अब परम पूज्य तो है, मतलब श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनेक अनेक भक्तों को, नरोत्तम दास ठाकुर, सबको मिला है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरी गलती की वजह से नहीं मिल रहा है, या भगवान मुझे मेरी धैर्य की परीक्षा रख रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन अगर मैं इस पथ पर चलता रहा तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा व्यक्ति को रखनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है हमको अनुभव हो या ना हो, शास्त्र में लिखा है और ये सही है, और ये जब श्रद्धा दृढ़ रहती है तो अनुभव के अनुसार व्यक्ति भजन नहीं करता, उसको विश्वास रहता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इस नाम के उच्चारण से। मुझे कैसा लग रहा है, ये तो मेरी इंद्रियां बोल रही, तो इंद्रियों की बात पे विश्वास रखूं। आई होप डिवोटीज आर गेटिंग माय पॉइंट। और यह भी आप देखेंगे जगत में हम तभी सुखी होते हैं जब हम अपने सेव्य को सुखी रखने की भावना रखते हैं। कोई घर में आता है जो उसको भोजन पसंद है वह बनाते हैं तो आपको सुख मिलता है, खुद को जो अच्छा लगता है वह सोच करके तो ना बनाते हैं। आप बताइए कभी भी किसी के लिए भोजन बनाए हैं तो उसके लिए भोजन बनाते हैं ना, कि हम अपने लिए बना रहे होते हैं? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। टू द डिग्री वी आर सेल्फलेस, टू दैट डिग्री वी आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट इज आर इटर्नल सिचुएशन। जितना निस्वार्थता की भावना होगी, कृष्ण के सुख को सुखी करने की भावना होगी, उतना ही जीव सुखी हो जाएगा। तो ये सब बातें नाम जप करने के द्वारा प्रकट हो जाती हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्रीय श्रद्धा से हमें युक्त होना चाहिए। हमारा क्या अनुभव से मतलब नहीं, वो तुम्हारी विद्या के कारण उल्टा पुल्टा अनुभव हो रहा है। भगवान का नाम जप करेंगे तो ऐसा दिव्य अनुभव हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो। उपाय स्वरूप हरिनाम में ही उपेय सिद्ध है, जबकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य शुभ कर्मों में ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब है, ये बड़ा ट्रिकी बात है।
शुभ कर्मों में भगवत प्रेम नहीं है। वो कुछ शुद्ध करते हैं लेकिन भगवत प्रेम वहां पे भगवान की अंतरंग शक्ति का समावेश नहीं है। लेकिन जब आप नाम उच्चारण कर रहे हैं तो उस नाम में भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। प्रथम दिन से ही वह कुछ रस देना शुरू की है तभी आप नाम उच्चारण कर रहे हैं। नहीं तो देखिए ना, आप सब साधक लोग हैं, कदाचित किसी दिन आपका माला देर में हो जाए, ये कितना खराब लगता है। ऐसे आप सुबह कर लेते हैं तो लगता नहीं कि कुछ रस मिल रहा है, लेकिन ना करने को मिले या बीमार हो जाए तब देखिए कितना खराब लगता है। इसीलिए देखिए, हमको आप सब भक्त लोग क्षमा करेंगे, देखिए जो लोग हमारे संग जप नहीं कर रहे हैं उनके बारे में हमको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी करते रहे, और उनके लिए उनसे मेरा मतलब भी नहीं, मतलब दे आर नॉट अंडर माई ज्यूरिसडिक्शन या मेरे केयर में नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ा इस बात को समझेंगे वह देख रहे हैं कि मैं बहुत पीछे लगता हूँ, पहले से कम लेकिन थोड़ा तो लगता है कि भाई जल्दी मेरे पीछे लगता, जल्दी सुबह कर लो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक रुचि, एक टेस्ट, एक अनुभव प्राप्त हो जाए सुबह सुबह माला अच्छे से कर लेने का। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर आप तड़पेंगे, परेशान होंगे, यार हमारा माला सुबह नहीं हो रहा, हमारा माला सुबह नहीं हो रहा। वो एक टेस्ट है, वो प्रकट टेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप उसको अनुभव नहीं कर सकते, हर भक्त अनुभव कर सकता है। और उसमें दीक्षा और ना दीक्षा का कुछ भी मतलब नहीं है। सुबह उठ करके नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति अगर गंभीरता से माला करेगा तो उसको तुरंत अनुभव होता है कि ओ ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो प्रतिदिन प्रथम दिन से ही अनुभव होता है। अब उसको और गंभीरता से करता चला जाएगा तो वह अब और वह रस, वह अनुभव और बढ़ता चला जाएगा। ही बिकम अटैच्ड टू चैंटिंग इन द मॉर्निंग। ये बात होती है और सब भक्त लोग यहाँ पे समझ ही रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। अब जो नहीं समझ रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनकी हम बात नहीं कह रहे कि क्या वो उसको अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन जो नियमित रूप से कर रहे हैं उस बात को समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू चैंट इन द मॉर्निंग नाइस एंड वाई अटेंटिवली चैंटिंग करना। नहीं तो आप देखिए कि जब दोपहर में हो जाता है माला कैसे करते हैं, हरे कृष्णा अरे राजकुमार प्रभु वो मूल माला लेना, हरे कृष्णा राम राम आप वो राम राम हरे कृष्णा उसमें तो आप नहीं समझ अनुभव कर पाते हैं इस प्रकार का रस। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वो नाम का रस, अभी हमारा हृदय अशुद्ध है इसलिए थोड़ा छन छन के आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आ उसी नाम से रहा है। लेकिन जब हमारा नाम पूरी तरह से हमारा हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा इसी नाम के प्रभाव से, तो पूरा पूरा रस आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हीटर तो देखे होंगे आप, हीटर के आगे कुछ आप बीच में लगा दीजिए तो वो हीट नहीं आती है, लेकिन हीट तो उस हीटर से ही आ रही है ना। या सूर्य के एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सूर्य से है, सूर्य के बीच में आप कुछ तंबू तान दीजिए तो हीट आती है लेकिन कम आती है। लेकिन अगर वो तंबू हटा देंगे या छाया का वस्त्र हटा देंगे तो अब एकदम से हीट आपको महसूस होगी। तो उसी प्रकार से हमारे अनर्थ इसी भगवान के नाम से ही जाएंगे, और जब भगवान के नाम से जाएंगे तो व्यक्ति को अनुभव होगा कि हाँ ये तो बहुत दिव्य चिन्मय वस्तु है। लेकिन वस्तु है पीछे, भगवान है, उनका अनुभव हमको कम हो रहा है क्योंकि हमारा हृदय अभी अशुद्ध है। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। लेकिन शुभ कर्मों में तो भगवान है ही नहीं ना, शुभ कर्मों में तो भगवान की अंतरंग शक्ति है ही नहीं, इसलिए जीव को उस प्रकार से सुख नहीं मिल पाएगा। ये बात है, भौतिक सभी शुभ कर्म जड़ाश्रित होते हैं जबकि हरिनाम सदा ही चिन्मय है एवं स्वाभाविक ही सिद्ध है। साधन काल में भी हरिनाम शुद्ध और निर्मल होता है किंतु साधक के अनर्थों के कारण मलिन सा लगता है। ये बहुत हाईलाइट करने वाले पॉइंट है। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए हमारा हरिनाम शुद्ध हो, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा हरिनाम अशुद्ध कब था, हरिनाम तो हमेशा शुद्ध था, अशुद्ध हमारा हृदय है। नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना, भगवान का नाम तो हमेशा शुद्ध रहता है। जैसे इस समय जो लोग सूर्य में बैठे हैं, तो आप सूर्य में बैठे हैं मतलब सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, तो क्या सूर्य में कोई गंदगी है? सूर्य में गंदगी नहीं होती है, हम छाया में होते हैं। तो भाषा का क्या उपयोग कर रहे हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। नाम शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, नाम तो शुद्ध ही है, हमारा हृदय अशुद्ध है। और इस अशुद्ध हृदय के कारण व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साधन काल में भी हरिनाम शुद्ध और निर्मल होता है किंतु साधक के अनर्थों के कारण मलिन सा लगता है। तो जब अनर्थ होंगे यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे जैसे करके भगवान के नाम से हट जाएंगे तो व्यक्ति को यह अनुभूति होने लग जाएगी, अरे ये तो भगवान है जो मेरी जीव पे आ रहे हैं। तो इस समय हम लोग शास्त्र के वर्णन के अनुसार सुने और इसकी अनुभूति आपको आगे जाकर के होने भी वाली है। इजी है सबको समझना? ओके गुड। हमेशा ये सोच लेना कि नाम में अगर आपको वो टेस्ट नहीं मिल रहा जो कि प्रॉमिस्ड है तो वह अनर्थों की वजह से नहीं मिल रहा है, भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। साधु संग प्राप्त होने से ही जड़ बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्या मतलब है साधु संग? मतलब साधुओं के संग में भगवान के तत्व को सिद्धांत को समझे। इस समय यद्यपि न लग रहा हो कि हरि नाम
स्वयं भगवान है, लेकिन साधु लोग बताते हैं नहीं भैया ये साक्षात भगवान है। जैसे कोई आयुर्वेद का वैद्य बताएगा भैया ये देखो सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा इलाज हो जाएगा, तो वह जड़ी बूटी तो आपके सामने थी लेकिन उसके तत्व का वर्णन कोई विज्ञ व्यक्ति करता है। उसी प्रकार से साधु संघ होने से ही जड़ बुद्धि का विनाश हो जाता। जैसे अजामिल भगवान का नाम नारायण बोल रहा था, अनजाने में ही बोल रहा था, लेकिन जब वैष्णवों से सुना, विष्णु दूतों से सुना कि भाई इस नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तो अब उसका नाम के प्रति आदर बुद्धि हो गई कि नहीं हो गई। उसने प्रत्यक्ष देखा कैसे अनजाने में भी नाम बोलने से वह यमपाश छूट गया। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि अब उसके बाद अजामिल कितना नाम बोला होगा उसकी कोई गणना नहीं है। आप समझ गए, पहले वह अनजाने में नाम उच्चारण कर रहा था बिना किसी आदर भाव के, और अब जब उसने साक्षात देख लिया कि उसको यमराज के दूतों के द्वारा से बचाया गया है केवल अनजाने में नाम बोलने से, तो वो कितनी आदर बुद्धि के संग नाम उच्चारण कर रहा होगा। आप समझ गए ना बात। और आप ये देख रहे हैं कि जो भी आदर बुद्धि का निर्माण हुआ है अभी नाम के प्रति, वह शास्त्र से बार बार श्रवण करने के द्वारा ही हुआ है। तो ये सब बातें हैं, यानी कि जो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि ये शुभ कर्म है या अच्छी बात है, नहीं नहीं ये दिव्य बात है, ये केवल अच्छी बात मात्र नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जड़ बुद्धि का नाश होता है और वह भगवान के नाम के प्रति आदर बुद्धि से युक्त होता है। जड़ बुद्धि के नाश होने पर अर्थात अनर्थ नष्ट हो जाने पर, अनर्थ नष्ट हो जाने के बाद ही साधक के हृदय में शुद्ध नाम का स्मरण होता है। तो शुद्ध नाम का मतलब समझना चाहिए, नाम तो शुद्ध हमेशा ही था, उस नाम की पूरा एनर्जी पूरा अनुभव साधक को होने लगता है, जैसे हमने बादल और सूर्य के उदाहरण के द्वारा बताया। हरिनाम करने वाले साधक को छोड़कर अन्यान्य शुभ कर्म करने वाले साधक उपाय को प्राप्त कर लेने पर उपाय को छोड़ देते हैं, किंतु हरिनाम करने वाले भगवत भक्त कभी भी हरिनाम को नहीं त्यागते। यह बात अलग है कि सिर्फ सिद्धावस्था में ही शुद्ध नाम भजन होता है। दीक्षा माता जी, यू वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके टाइप इट आउट, आई विल मेक यू को होस्ट, टाइप इट आउट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब लोग शुभ कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए विचार कीजिए कि कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ कर रहा है, अब स्वर्ग प्राप्ति हो गई तब उस यज्ञ को तो नहीं करेगा ना। स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और स्वर्ग प्राप्ति हो गई तो अब तो उसके बाद वह कुछ स्वर्ग के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब भगवान के नाम के द्वारा जब हृदय शुद्ध हो गया तब तो और नाम उच्चारण करेगा। तो इसीलिए यहां बोल रहे हैं कि साधन और साध्य में भेद नहीं है। इट वुड बी नाइस दीक्षा माता जी इफ यू कैन टाइप द क्वेश्चन, टाइपिंग आता है ना, टाइप कर लीजिए। शुद्ध नाम अन्य शुभ कर्मों से अति विलक्षण है, यही नाम के स्वरूप का अपूर्व लक्षण है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि साधन काल में ही श्री गुरुदेव की कृपा से ऐसा विलक्षण ज्ञान होता है। साधना अवस्था में जिनको यह ज्ञान नहीं है वे अभी नामापराधी हैं। क्या मतलब हुआ, एक वैष्णव गुरु बताते हैं कि भाई देखो ये नाम कोई सामान्य नाम नहीं है, नामी है, ये भगवान है। तो साधक की भी नाम के प्रति आदर बुद्धि होती है और वह नाम अपराध से बचने का प्रयास करता है, और जिनको ये ज्ञान ही नहीं है तो वह तो नाम अपराध करते ही रहेंगे। कुछ भक्त ने प्रश्न किया है, एक प्रश्न है कि क्या शुभ कर्म करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य करने से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती हो, नहीं होता ऐसा। पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं, पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है। जैसे कि महाराज नृ की कथा आप सुनेंगे, उनसे गलती से एक गाय वो दान कर रहे थे तो गलती से गाय उनके पास घूम के आ गई थी, और फिर उसके बाद वह गाय दूसरे को दान कर दिए, दूसरे ब्राह्मण को। तो दूसरा ब्राह्मण आया, कहा कि आपने मेरी गाय ले ली है, तो दोनों ही लाकर झगड़ा करने लगे और फिर दोनों ही गाय को लेके नहीं गए। तो आगे जाकर महाराज नृ को उस पाप के लिए, यानी कि गलती से ब्राह्मण के धन को चुरा लेने के लिए या वापस ले लेने के लिए उनको छिपकली बनना पड़ा। तो वहां देखता है कि पाप से पुण्य नहीं कटता है, और इस चीज को छठे स्कंद में बताया गया है, प्रश्न किया गया है कि भाई जब व्यक्ति पाप करता है
उसके बाद वो प्रायश्चित करता है और फिर पुनः वही पाप करने लग जाता है। तो प्रायश्चित मतो पार्थ मन्ने कुंजर शौचवत, ये जो प्रायश्चित है यह तो मैं हाथी के स्नान के जैसे मान मानता हूँ, उससे पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं होती है। देखिए पाप करने की प्रवृत्ति अविद्या के द्वारा जनित होती है। अविद्या का मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने को देह मानना। तो आप विचार कीजिए कि क्या पुण्य करने से व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाती है कि वह आत्मा है? तो उत्तर है नहीं। बार बार का गतागतम काम कामा लभंते, जो व्यक्ति कामनाओं से युक्त होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वह स्वर्ग जाता है फिर वापस नीचे गिर जाता है, फिर स्वर्ग जाता है फिर वापस गिर जाता है, उसके शुद्धिकरण होता नहीं है वस्तुतः, और अगर है भी तो बहुत न्यून मात्रा में होता, बहुत कम मात्रा में होता, बार बार भोगों में प्रवृत्त होता है। तो जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो आगे जाकर के किसी न किसी रूप में उसको पाप में प्रवृत्त कर ही देगी, उसकी अविद्या नष्ट नहीं हो रही है, तो अविद्या के द्वारा पाप की वृत्ति बनी ही रही है। ओके, लाइक दैट। श्री हरि नाम के समान कोई साधना नहीं है, इस विश्वास के साथ जो हरि नाम करते हैं बहुत जल्दी ही उनके हृदय में शुद्ध नाम उदित हो जाता है तथा वे पूर्णानंद स्वरूप श्री हरि नाम रस का पान करते रहते हैं। और देखिए बहुत जल्दी का क्या मतलब है, बहुत जल्दी का मतलब इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितनी गंभीरता से भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सालों साल लग जाएंगे, हम आज से ही गंभीर हो सकते हैं, हम सभी लोग, चाहे बीसियों साल से व्यक्ति गंभीर ना हो लेकिन आज से ही व्यक्ति गंभीर हो सकता है, इस दृष्टि से कि हम गंभीरता पूर्वक ये प्रयास करेंगे कि हम प्रजल्प नहीं करें, हम नाम के प्रति अपराध नहीं करें, हम निंदा आदि ना करें। और कई बार आती है बात, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, निंदा आदि भी प्रजल्प के द्वारा ही होता है। जब आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, तो इसमें इसके बीच में तो कोई निंदा हो नहीं सकती है। फिर इससे पहले अगली होती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, तो अब यहाँ भी नहीं हो सकती। उसके बाद बीच में सांस लेने का टाइम चाहिए, सांस ले लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। आप बात समझ रहे हैं, बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। जब जितनी बार हम जाप कर रहे हैं हम अपनी जीभ को वैष्णवों की निंदा करने के अपराध से बिल्कुल सील कर दिए, नहीं कर सकती तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और साथ साथ स्वयं भगवान का नाम हमारे हृदय में जो अपराध है, अपराध की भावना है, उसको वो नष्ट कर रहा है। ये आपको क्लिक कर रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपका मन लगे या ना लगे लेकिन जीभ कम से कम अपराध में नहीं लगी है। मतलब लाभ तो बहुत ज़्यादा है, और एक लाभ बहुत बड़ा है कि नेगेटिव चीज़ अपने आप गायब हो जाती है। गलती से भी किसी जीभ वैष्णव का निंदा नहीं हो सकती ना, जब आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, जीभ तो एक ही काम कर सकती, दोनों काम तो कर नहीं सकती। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। तो 16 माला आपने कर लिया, अगर आपके पास प्रचार का कोई कार्य नहीं है या और भी कोई कार्य नहीं है तो और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। इज इट ओके लाइक दैट? इस यानी कि पॉइंट इज दैट प्रभुपाद बहुत सिंपल कह रहे हैं कि व्यक्ति को केवल नियमों में नहीं बंधना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि नियमों में बंधना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं केवल नियमों में नहीं बंधना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि वह वास्तविक रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करके कितनी प्रगति किया है आध्यात्मिक क्षेत्र में। और वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कितना वह विषयों से विरक्त हुआ है और कितना भगवान की सेवा में आसक्त हुआ है। इसको स्वयं चेक करना चाहिए जहां पे भी हो। अच्छा मैं यहां तक पहुंचा, अब मैं और आगे प्रगति करूंगा। इट्स वेरी सिंपल। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बस किए जा रहा है किए जा रहा है कि जरा रूटीन के रूप में नहीं भजन होता है, रूटीन में भजन करना चाहिए लेकिन केवल रूटीन नहीं फॉलो कर रहा है व्यक्ति, व्यक्ति देखे कि उसने कितनी प्रगति करी है। इस अपराध से बचने का उपाय, वैष्णव अपराध रूपी दुष्कृति के कारण यदि किसी साधक की अन्य शुभ कर्मों के साथ श्री हरिनाम में सम बुद्धि होती है तो उस साधक को चाहिए कि वह उस दुष्कृति को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करें, तभी उस साधक की हरिनाम के प्रति शुद्ध बुद्धि होगी और उसे श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। अब आपने एक बात ध्यान नहीं दी होगी, वैष्णव अपराध का यहाँ पे क्या लिंक हो गया? भाई देखिए, जब वैष्णव के प्रति भौतिक बुद्धि होगी तो उनकी शिक्षा के प्रति भी भौतिक बुद्धि होगी। तो अगर वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि है कि सही कह रहे हैं, तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में नाम के प्रति आदर भावना रखेगा या नहीं रखेगा। इज दैट ओके?
तो जमखाने नहीं, गुरु महाराज ने कहा है, ये प्रभुपाद जी ने कहा है, तो उनकी बात पे निष्ठा रख करके, विश्वास रख करके उसकी नाम के प्रति भी आदर बुद्धि होगी। जैसे सिंपल सी बात है। अब चैतन्य महाप्रभु हम लोग समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में कि गिरिराज जी साक्षात कृष्ण कलेवर, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। हमको अनुभव होता हो या नहीं होता से मतलब नहीं है, लेकिन शास्त्र में बात है, महाप्रभु कह रहे हैं, तो ऐसा करने के कारण भक्त लोग बड़ी आदर बुद्धि के संग गिरिराज जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और हमने आंखों से देखा, हम गिरिराज जी के पास गए थे तो देखा कि जो बाहर से पिकनिक करने लोग आते हैं वो जा करके चढ़ जाते हैं, पांव भी रख देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो लोग वैष्णव के आश्रम में हैं वह भगवान के नाम का समुचित आदर करते हैं और इस कारण से वो कभी नहीं मानते कि ये समान शुभ कर्म के बराबर है। यह क्षमा कीजिएगा, समान शुभ कर्म, हाँ वही बात है, समान शुभ कर्म भगवान के नाम के बराबर है, कभी भी नहीं ऐसा मानते। उनकी हमेशा आदर बुद्धि रहती है। और आप सभी भक्त लोग अनुभव किए होंगे, कहीं जबरदस्ती किसी पूजा में बैठना पड़ जाए अलग बात है, लेकिन अन्यथा आप लोगों के मन में कभी संकल्प तो नहीं आता हो कि हम कोई कर्म कांड कर लें, कोई पूजा पाठ कर लें, इससे हमारा लाभ हो जाएगा। ये तो सहज भगवान के भक्तों की ऐसी बुद्धि हो ही जाती है। ये शास्त्र श्रवण से भी होता है और जब साधना करते हैं तो दिखता ही कि इससे होगा क्या, इसमें तो हजार तरह के दोष हैं, और दोष ना भी होते तब भी ये भगवान के नाम के बराबर नहीं है। ये वैष्णव के ही संग में ही इस प्रकार की श्रद्धा होती है। देखिए ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति बोलता है वह अपनी श्रद्धा से युक्त होकर के बोलता है। तो अगर हम इधर उधर लोगों की बात सुनेंगे तो वो लोग कहेंगे नहीं नाम बोलना चाहिए, हमने बुरा निकाल, लेकिन ये पूजा भी कर लेनी चाहिए, वो पूजा भी कर लेनी चाहिए। लेकिन ना, मैं आपको एक बार एग्जांपल बता रहा हूं प्रैक्टिकल लेवल पे, और ये 2.11 के द्वारा सत्यापित है कि किसी की भौतिक इच्छा भी है तब भी उसको भौतिक नाम का पूजा की बजाय भगवान का नाम ही बोलना चाहिए। इच्छताम अकुतो भयम पे वहां पे बोला गया, इच्छताम के लिए, किसी की भौतिक इच्छा है तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसके लिए भी हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो क्यों, मेरे सामने की घटना है, एक ज्योतिष थे, मित्र थे हमारे, बड़े अच्छे ज्योतिष थे वो। तो एक मेरे मित्र को बोले, उसका आर्मी में एडमिशन नहीं हो रहा था, जो भी था एक दो पर्सन से रह जा रहा था, कह रहे थे तुम्हारा काल सर्प दोष है, तुम्हारे को ये पूजा करानी होगी, 21,000 रुपये खर्च होंगे और तब तुम्हारा काल सर दोष छूटेगा, तो तुम्हारा नौकरी लगेगी। मैंने कहा आप कुछ मत करिए, आप जप कीजिए। वो चार माला जप कर रहा था, ना उसने कोई पूजा करी ना कुछ किया, जहां उसको जॉब लगना तब ही लग गया। ये मैं इस तरह से प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि उसने भगवान के नाम की शरण ली। अब वो सोच रहा है अरे क्या फायदा हुआ या जॉब में तो भजन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन किसी भी कर्मकांड से ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। तो इस प्रकार की भावना व्यक्ति को रखनी नहीं चाहिए कि कर्म कांड कर रहे हैं उसमें कुछ पुण्य मिल जाएगा। जो भगवान देते हैं सब कुछ ठीक करके देते हैं, कौन से भक्त का पालन नहीं कर रहे हैं जरा बताइए। इस प्रकार का अगर व्यक्ति फेथ कल्टीवेट करने लग जाएगा तो व्यक्ति की बहुत हानि हो जाएगी, वो सोचेगा कि भगवान के नाम में कम शक्ति है और कर्म कांड में बहुत अधिक शक्ति है। तो ये सब गलत संग के द्वारा होता है। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु चारों वर्णों के बाहर, आप सुनिए, चारों वर्णों के बाहर यदि अंत्यज जाति का गृहस्थी भी, अंत्यज जाति मतलब शूद्र से भी नीचे और उसमें भी गृहस्थी, यदि शुद्ध नाम परायण हो, शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा है कोई, तथा कोई पवित्र भाव से उसकी चरण लेकर अपने शरीर पर लगाए, मतलब कोई, पता नहीं कैसे लिखा है इसको, ठीक से पढ़ते हैं वापस। चारों वर्णों से बाहर यदि अंत्य जाति का गृहस्थ भी शुद्ध नाम परायण हो, हाँ, और कोई पवित्र भाव से उसकी चरण रज लेकर अपने शरीर पर लगाए, उसका झूठा प्रसाद सेवन करे तथा उसके चरणों का जल पान करे, तो ऐसा करने से उसकी आपके शुद्ध हरिनाम में निर्मल बुद्धि हो जाएगी। क्या करने से, चरण रज अपने सर पे लगाने से, उसका प्रसाद ग्रहण करने से और उसके चरणों के जल का पान करने से। मतलब ये नाम की अद्भुत महिमा का वर्णन हो रहा है कि अगर वह कुत्ता खाने वाले के अभी पैदा हो गया, कुत्ता नहीं खा रहा है लेकिन ऐसा जगह के पैदा हो गया है और शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहा है तो इतना महान हो जाता है कि उसकी चरण की रज भी लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। वैसे समझना चाहिए कि हम लोग ऐसी अवस्था में नहीं हुई तो हम लोग अनर्थों से जूझ रहे हैं, ऐसा खुद नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं शुद्ध नाम परायण हूं इत्यादि। लेकिन अगर ऐसा भक्त होते हैं तो उसका ऐसा प्रभाव होता है। बहुत से भक्तों का कहना है कि इसी प्रकार से
चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्रील कालिदास जी की दुष्कृतियों की समाप्ति हुई थी और उन्हें पुनः भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसको आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे कि कालिदास नाम के भक्त थे, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो वह उनकी वैष्णव की झूठन में बड़ी श्रद्धा थी, तो जिस किसी भी वैष्णव को मिलते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसकी झूठन प्राप्त करने का प्रयास करते। ध्यान दीजिए कि वो खाली बड़े बड़ों को नहीं सोच रहे थे, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो उस सभी की झूठन का को ग्रहण करने का प्रयास करते, चोरी से भी चुपके से भी। एक बार एक महान भक्त थे, वो निम्न जाति के थे, उनका नाम था झाड़ू ठाकुर, झाड़ू ठाकुर नाम था उनका। तो उनके लिए वो आम लेके आए कालिदास जी और उनको कहा कि आप आम भगवान को भोग लगाइए। तो आम को भोग लगाए वो, और ये पीछे जा घर के बाहर जाकर छुप गए। ऐसे तो वह अपना झूठा देते नहीं, तो वो उनकी पत्नी वो सब भगवान का प्रसाद आम खाए, उसके बाद छिलकी और गुठली को डस्टबिन में फेंक दी। तो वो चुपके से जाकर उस गुठली और छिलके को ग्रहण किए, इतना उनकी श्रद्धा थी। लेकिन देखिए, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, जिसकी वाकई इस प्रकार की श्रद्धा है उसी को ऐसा करना चाहिए। तो आगे जा करके जब वह पुरी में जाते हैं, तो आप देखेंगे अगर पुरी गए हों तो वहाँ पे पैर धुलने होते हैं, उसके बाद अंदर जाने के लिए होता है। तो जहाँ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने चरण धुलते, वहाँ जब उनकी चरण की धोवन थी अर्थात जल, वह एक दो और तीन बार कालिदास जी को पीने को मिला, जबकि किसी को वह ऐसा अलाउड नहीं था। तो उसके बाद महाप्रभु ने कहा अब और आवश्यकता नहीं, तीन बार पिए तुम्हारे लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो महाप्रभु तो प्रसन्न है, महाप्रभु तो देख रहे थे किस प्रकार से भक्तों की झूठन के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी। तो इस प्रकार से उनको भगवान के चरण की साक्षात चरण जल की प्राप्ति हुई। तो यहाँ सब बातें हैं, लेकिन देख लीजिए भाई, अब कोई भक्त की प्लेट को जबरदस्ती से उसमें छीनेंगे तो भक्त गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि अगर चोरी करके भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए, चोरी भी करके मिले तो भक्तों की झूठन ले लेनी चाहिए, लेकिन सच्चे भक्त के ही होने चाहिए। किसी आप समझ के बैलेंस कर लीजिएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। बड़ी दीनता के साथ श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जड़ बुद्धि हूं और एकमात्र आपका ही नाम कीर्तन करता हूं, परंतु अभी तक नाम चिंतामणि तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। अब देखिए, यह है श्रील हरिदास ठाकुर जी की नम्रता। यद्यपि वह स्वयं नामाचार्य घोषित किए गए हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही, फिर भी उनकी कैसी भावना है कि मैं तो नाम अपराधी हूं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए और नाम तत्व मेरे दिन प्रकाशित कीजिए। अब हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम में निष्ठा, उसका वर्णन होगा, और यहाँ पर हमने कुछ बंगाली भी रखी है, और हो सके तो भक्त लोग इस प्रार्थना को याद भी कर लेंगे। एक बहुत गंभीर भक्त, वरिष्ठ भक्त ने मुझे प्रार्थनाएं इंग्लिश में भी लिख के दी थी, तब मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ से, मतलब ये पता था कि हरिनाम चिंतामणि से है, लेकिन कहाँ से है नहीं पता। और ये हरिनाम हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थनाएं हैं, और इसको याद करके अगर महाप्रभु को अर्पित करेगा तो महाप्रभु की कृपा उस व्यक्ति पर निश्चित होगी। देखिए, एक और बात समझें, कई बार हम लोग सुने हैं आचार्यों से कि जैसे मान लीजिए सनातन गोस्वामी से, वो दशम टिप्पणी लिख रहे हैं तो कहते कि मैं तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी के उच्चिष्ट का ही भाजन को ही स्वीकार कर रहा हूं। तो उच्चिष्ट यह भी है कि जो उनके मुख से उच्चरित प्रार्थनाएं हैं उनको हम स्वीकार करें। हरिदास ठाकुर जी का प्रसाद हमको मालूम ना भी मिल रहा हो सीधे सीधे, लेकिन उनका जो कृपा है, उनकी वाणी के द्वारा जो प्रकट है, उसको हम लोग जरूर उसको हम अवलंबन कर सकते हैं, उसको हम लोग सहारा ले सकते हैं, उसका आश्रय ले सकते हैं। तो यहां देखिए, कृपा करी नाम रूपे अमार जीवाया, निरंतर नाची प्रभु धरी तव पाया। मेरे पीछे या मेरे साथ जब मैं दोबारा बोलूं तो आप मेरे संग बोलिए। कृपा करी नाम रूपे अमार जीवाया, निरंतर नाची प्रभु धरी तव पाया। क्या अर्थ है? कृपा करके नाम के रूप में मेरी जीवा पर निरंतर आप नाचे प्रभु, मैं आपके चरणों को पकड़कर यही प्रार्थना कर रहा हूं। हे महाप्रभु, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके हरिनाम के रूप में मेरी जिह्वा पर नृत्य करते रहना। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि मेरी जिह्वा पर नृत्य करें
और अपने अपना जो सुख है, जो दिव्य सुख नाम से उत्पन्न होता है, वह मेरे हृदय में प्रकाशित करें। तो कहां रहना चाहते हो, कहां रहोगे? तो बोलोगे तो कहते कहीं रखिए, लेकिन हमें नाम का अमृत दीजिए। राख इह लो तब इच्छा मत, जहां राख देह मोरे कृष्ण नाम अमृत। राख इह लो तब इच्छा मत, यहां राख देह मोरे कृष्ण नाम अमृत। आप मुझे इस संसार में रखो या अपने धाम में, जहां आपकी इच्छा हो वहीं मुझे रखो, परंतु मुझे कृष्ण नामामृत अवश्य पान करते रहने देना। केवल कृष्ण का नाम बोलना ही मात्र नहीं है, उसके सुख का अनुभव भी मैं कर सकूं, ऐसी योग्यता मुझे देना। बारंबार आचार्यों ने यही बताया है कि हम नाम के अमृत को केवल अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी प्रार्थना करी गई है जिसमें भक्तों ने बोला कि भगवान आप कृपा करके अपने नाम के सुख को मेरे हृदय में प्रकाशित करें। यह सिद्धांत एकदम भक्तों को क्लियर होना चाहिए कि हम अपने साधना का अहंकार ना रखें। आप देखते होंगे एक साधना करते में करते करते कभी कभी कुछ नहीं करते हैं और एकदम नाम में रुचि होती है, और कभी कभी हम पूरा प्रयास करते हैं ध्यानपूर्वक करने का, फिर भी कोई रुचि नहीं होती। तो दिखता है कि केवल मात्र हमारे प्रयास से ऐसा नहीं होने वाला है। भगवान हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाएंगे तो जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ी रहेगी, उतनी मात्रा में नाम का सुख, भगवान के रूप का सुख, वह सब हमको अनुभव होगा। अब बड़ी सुंदर रीति से कह रहे हैं कि देखिए, पूरे जगत में के लोगों को नाम देने के लिए अवतार हुआ, तो मैं भी तो जगत का ही व्यक्ति हूं ना, तो मुझे स्वीकार कीजिए। जगत जन नाम दीते तब अवतार, जगत जन माझे मोरे कर अंगीकार। जगत जन नाम दीते तब अवतार, जगत जन माझे मोरे कर अंगीकार। जगत के जीवों को हरि नाम देने के लिए ही आपका अवतार हुआ है, और नाम ग्रहण करने वालों में से मैं भी एक हूं, इसलिए प्रभु मुझे अवश्य अंगीकार करना। अरे तुम तो बहुत पतित हो, कहते हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूं। आमी तो अधम तुमी अधम तारण, उभय संबंधे एई पतित पावन। मैं तो अधम हूं परंतु आप तो अधम तारण हा रहे हैं। हे पतित पावन, हम दोनों का संबंध भी बड़ा विचित्र है। हमारा और आपका संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अधम हूं और आप अधम तारण हो, इसलिए निश्चित ही रूप से आपको मेरा तारण तरना चाहिए, मुझे तरना चाहिए। आच्छेद्य संबंध ए तो माया माए, जारा बोले नामामृत ए अधम चाय। आपसे मेरा नित्य संबंध है, इसलिए मैं आपसे हरिनामामृत प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। क्या संबंध है? आप अधम को तारण करने वाले और मैं अधम हूं। ये बड़ी अद्भुत बात है कि व्यक्ति अगर वाकई अपने को पतित अनुभव करता है, ध्यान दीजिएगा, पतित अनुभव करना और पतित होने में अंतर है। हरिदास ठाकुर जी पतित नहीं है, लेकिन अपने को पतित अनुभव कर रहे हैं। कठिनाई यह है कि हम लोग पतित हैं और पतित अनुभव कर नहीं रहे। हम बड़े महान हैं, हम क्या महान हो भाई। तो अब इस प्रकार की भावना जब होती है तो आप समझें कृपा हमेशा नीचे की ओर बहती है। सुना होगा आपने बात, तो कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऊपर से नहीं कह सकता, देखो भगवान मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, तो तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, तुम्हें कृपा की क्या जरूरत है? नहीं। तो यहां पे हम हरिदास ठाकुर से सीख रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये अच्छेद्य संबंध है, आप अधम तारण हैं और मैं अधम हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बल पर, इस संबंध के बल पर मैं मांग रहा हूं। देखिए, जगत में व्यक्ति कुछ मांगता है तो कुछ संबंध देखता है। आप डोनर हैं, मैं याचक हूं, तो मांगता है। तो अगर कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे तो व्यक्ति से मांगेंगे कैसे, बताइए? संबंध होना जरूरी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप, मैं सबसे अधम हूं और आप अधम तारण हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। कलयुग में हरि नाम ही युग धर्म क्यों हुआ? कलयुग में दूसरे सभी शुभ कार्य दुसाध्य से हो गए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर करना भी चाहे तो जरूरी नहीं कि वह शुभ कर्म फलित ही हो, और वैसे भी वो जड़ है। अतः जीव पर करुणा करने के लिए हरिनाम ही युग धर्म के रूप में प्रकट हुआ। भाई इन लोगों के पास शुभ कर्म करने की तो कोई शक्ति है नहीं, और वैसे भी शुभ कर्म जड़ है, तो इसलिए भगवान का नाम बड़ी दया करके प्रकट हुआ कि इनको चिन्मय वस्तु दी जाए, जिससे इनको करने में भी सुविधा होगी और इनको दिव्य वस्तु प्राप्त हो, दिव्य लाभ प्राप्त हो। ये कह रहे हैं, समझ पाए इस लॉजिक को आप लोग? अगर आप कहा जाए कि रोज यज्ञ करना है तो पंडित जी कहां से लाएंगे?
हम लोग सुबह रोज कम से कम 70-80 भक्त जप करते हैं, 70-80 प्रॉपर ब्राह्मण में मिलना कठिन है, और फिर उनको दान देना और स्वर्ण देना और ये देना वो देना, ये तो असंभव सी बात है ना। तो शुभ कर्म तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, अगर हम करना चाहें भी तो थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, गैया को दो चार रोटी खिला दी तो बहुत बहुत शुभ कर्म कर दिया, वह भी कठिन हो रहा है लोगों के लिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि नामाचार श्री हरिदास ठाकुर जी के जो दास हैं तथा जो भगवत भक्ति का रसास्वादन करते हैं वे अकिंचन ही श्री हरिनाम चिंतामणि का गान करते हैं। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। एक भक्त कह रहे हैं, गौर हरि प्रभु इस साक्षात राधा रमन, राधा रमन जी का चरणामृत हम प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी कर सकते हैं और सभी अन्य भक्त भी कर सकते हैं, जिनके पास भी घर में भगवान के विग्रह हैं वो सब भगवान से अभिन्न है, वो असत्य है, लेकिन फिर भी भगवान जो साक्षात लीला कर रहे हैं उनके चरणों का जल पीना, उसका लाभ प्राप्त करना तो अद्भुत है ना। ऐसे तो क्या आप कालिदास जी भगवान को भोग नहीं लगाते थे? क्या वो कभी चरणामृत नहीं पिए? मेरी बात आप समझ रहे होंगे ना। जैसे आप राधारमण जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दिन आप राधारमण के साक्षात दर्शन सब उनके संग लीला में भी प्रवेश करेंगे तो कुछ तो थोड़ा भेद हो ही जाएगा ना। तो वो बात है, उस दृष्टि से कहा जा रहा है। ऐसे तो सब भक्त तो चरणामृत का पान करते ही हैं। सो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आऊंगी। बात सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी शुभ कर्म भगवान के नाम के बराबर नहीं है, और सारे शुभ कर्म भौतिक होते हैं, वे भौतिक फल ही देने वाले होते हैं और वह भी बहुत कम। और भगवान का नाम जो फल हो वह तो देता ही, और साथ साथ भगवान का प्रेम भी अंततो गत्वा साधक को देता है। सो विल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नितय गौर प्रेमानंदे।